नमस्कार, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश नीरज और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। आज हमारे साथ चंडीगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी प्रोफेसर तेवी सिरोही जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, आप चंडीगढ़ से पहले भी लोकसभा चुनाव के लिए उतर चुके? नहीं, पहली बार। तो आपके क्या मुद्दे रहे हैं जो आप इस चुनाव में लड़ रही हैं? मेरा मुद्दा और उद्देश्य सिर्फ विकास और शहर का विकास है। बहुत सारे मुद्दे मैं लेकर चल रही हूँ, जैसे कि शिक्षा का। मैं एक शिक्षक हूँ और चंडीगढ़ में जो शिक्षा का बजट है वो सिर्फ 1.5% है। अब आप बताइए कि इतने छोटे से बजट में क्या हम एक क्वालिटी एजुकेशन अपने बच्चों को प्रदान कर सकते हैं? क्या हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बच्चों के लिए रिक्वायर्ड है वो हम दे सकते हैं? मैं समझती हूँ कि हमें जो शिक्षा का जो बजट है वो ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि हम बच्चों को जो नए एरियाज ऑफ लर्निंग है, जैसे मशीन लर्निंग है या रोबोटिक्स है, उनको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और यदि हमारी शिक्षा अच्छी होगी तो बच्चों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। मैम, शिक्षा को लेकर के अलावा और कोई मुद्दे हैं जो आप देख रहे हैं? जी मैम, डंपिंग डाउन का मुद्दा शहर में एक ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड की वजह से जो वहाँ से गैसेस निकलती हैं, लोगों को स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं, दमा हो रहा है, कैंसर तक हो रहा है, लोग वहाँ से घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ डड्डू माजरा का मुद्दा नहीं है, पूरे शहर का मुद्दा है, क्योंकि यदि ये गैसेस जो हैं वो कोई डड्डू माजरा तक ही नहीं रहने वाले, पूरे शहर में फैलने वाले। तो मैं समझती हूँ कि इसको एक प्रायोरिटी में लेना चाहिए। और ये मुद्दा जो 15-20 साल का है, तो ये अब तक रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। और मुझे यदि मौका मिला तो मैं इसको जरूर हल करूँगा। मैम, चंडीगढ़ से आपको कितना लोगों का प्यार मिल रहा है? मुझे बहुत प्यार मिल रहा है और इस प्यार की वजह से ही मैं चली जा रही हूँ। और मैं समझती हूँ कि जो निवासी हैं वो चाहते हैं कि उनका जो प्रतिनिधि है उनके लिए काम करे, और यदि वो प्रतिनिधि उनके लिए काम करने को तैयार है तो वो उसके लिए प्यार ही प्यार उमड़ने को तैयार है। लास्ट में आप चंडीगढ़ के लोगों से कुछ अपील करना चाहिए? मैं चंडीगढ़ के लोगों से अपील करना चाहूंगी कि इस बार पार्टी लाइन्स हट के आप एक निर्दलीय उम्मीदवार को अपनी आवाज बनाइए जो आपके लिए काम कर सके, जो आपके शहर का हो। और मैं भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए विकास और विकास लेकर आऊंगी यदि मुझे एक मौका मिला। शुक्रिया। ये थे चंडीगढ़ से आजाद उम्मीदवार प्रोफेसर तेवी सिरोही जी। अर्थप्रकाश टीवी के लिए चंद्र प्रकाश नीरज की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।